हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज का दिन ना थोड़ा बिजी है। आज पहली बात तो संडे है और मेरे को दो तीन ऑर्डर हैं, जिसमें अभी दिन में बिरयानी जाएगी जो हमारे भाई साहब बना रहे हैं। बिकॉज़ क्या है, वो तो मैं भी बना सकता हूँ अगर सिर्फ ऑर्डर के लिए बनाना है, बट ही इज़ मेकिंग गुड बिरयानी फॉर एवरी वन ऑफ अस। तो वही खाएंगे और अभी देखते हैं कि बिरयानी कैसे बन रही है, बिरयानी का क्या प्रिपरेशन चल रहा है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज़ डिनर। ये हमारे बिरयानी का मसाला है, ये एग बिरयानी का अंडा है, और ये चावल पक रहा है यहाँ पे, और ये चिकन मैरिनेट हो गया है, और वो अपना फ्राइड अनियन है, और ये राइस हम लोग यूज़ कर रहे हैं बनाने के लिए बिरयानी। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये हमारा चावल रेडी हो गया है और बहुत अच्छी सुगंध आ रही है उससे, और ये हमारे अंडा बिरयानी का झोल बन रहा है जिसमें कोई भी झोल झाल नहीं है। और अपना चिकन देखो भाई, मिक्स करने के बाद एकदम खतरनाक ऑर्गेस्टिक चिकन लग रहा है, एकदम ऑर्गेस्टिक। ये अभी हमारी बिरयानी की लेयरिंग हो रही है। ये हमारे ऑर्डर के लिए है, ये हमारे घर के लिए। अभी दोनों में से जो अच्छा रहेगा वो दे देंगे। लुक एट द कंसिस्टेंसी ऑफ द मैरिनेशन। तो ये हमारे अंडे का बिरयानी का बेस है। लुक एट दिस अंडा, ऐसे ही खाने का मन कर रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ अवर राइस। राइस बहुत ही अच्छे से पका है एकदम। ये देखो इसके दाने, देखो बड़े बड़े दाने एकदम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अपना गार्निश का, और वो सैफरन मिल्क और पता नहीं क्या क्या डालेंगे अपन, देखते हैं। तो ये हल्दी, नींबू, पानी, चावल का जो पानी बचा था वो, और घी, उसका पानी अभी डाल रहे हैं हम लोग, ताकि वो पकेगा तो अच्छा मॉइस्ट रहेगा चावल, एकदम मज़ा आएगा मज़ा आएगा। ये अभी हमारे आटा लगा दिया है दम के लिए, तो ये लगेगा एकदम ज़बरदस्त, एकदम प्यारा, एकदम खूबसूरत। अभी ढक्कन लगा दो मम्मी। अभी पूरा अच्छे से सील हो गया है ये, और अभी ये जाएगा दम पे सीधा पकने के लिए। और ये शुरू हो गया खेल इसका, अभी गैस चल रही है। अभी ये चिकन जब पकेगा, इसकी लिड खोलते टाइम आप लोगों को दिखाता हूँ। सच बोलूँ तो खाना बनाओ, साथ में वीडियो बनाओ, और वीडियो बनाते बनाते फिर बातें ये वो बहुत कुछ होता है, तो काफ़ी दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, काफ़ी दिमाग थोड़ा थक जाता है। बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच गोज थ्रू वेन यू आर कुकिंग। सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज थिंक कि भाई अलग अलग करूँ, बट क्या करूँ, आप लोगों को दिखाना भी तो ज़रूरी है। तो विद दैट बींग सेट, अभी हम लोग को वो करना है, लिड खुलेगा जब उसका, तो आपको लिड खोलते टाइम दिखाता हूँ। उस टाइम जो स्मेल मैं फील करूँगा वो आप लोग फील नहीं कर पाओगे, सो इट्स योर बैड लक बट इट्स माई गुड लक। सो लेट्स गो एंड वॉच। ये अपना अंडा बिरयानी का लेयरिंग हो रहा है। पहले चावल जाएगा, फिर अपना सुंदर सा अंडा जाएगा, फिर चावल, फिर अंडा, और ये चावल का पानी जो निकला है वही जा रहा है, ताकि अच्छे से राइस में मॉइस्चर रहे। ये अभी अंडा जाता हुआ, कलर बढ़िया लग रहा है। अभी फिर से अंडे के ऊपर राइस जा रहा है। अभी फिर मसाला जाएगा क्या? पानी जाएगा।
अभी फिर पानी जाएगा और फिर थोड़ा ये मसाला जाएगा और फिर उसको अपन लोग ये बिरिस्ता से गार्निश करके और पुदीना डाल के उसको दम पे लगा देंगे। क्या कलर आया है भाई, क्या लग रही है बिरयानी, एकदम बेहतरीन, मज़ा आ गया देख के ना, क्या लग रही है। Now it's the time for our egg biryani. जो एक और एकदम स्मेल क्या ज़बरदस्त आ रही है यार, स्मेल ज़बरदस्त आ रही है अंदर अंदर बहुत अच्छा। देखो नीचे नीचे यहाँ पे मसाला भी नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इसको खोल के दिखा दो, ये थोड़ा अंडा वंडा निकाल के दिखा दो ज़रा, क्या लग रहा है यार। ओए ओए क्या मसाला है एकदम। ये अपनी अंडा बिरयानी है और अपनी चिकन वाली को खोल के दिखा दो। ओए ओए क्या स्टीम आ रहा है, जबरदस्त जबरदस्त। प्यारा लग रहा है एकदम भाई, चिकन तो बढ़िया पक गया है भाई, ये है ना चिकन का पीस, ज़बरदस्त अच्छे से बहुत टेंडर लग रहा है दूर से ही देख के एकदम। ओए होए अरे भाई लेग पीस दिखा, बेहतरीन। तड़ को भी बिरयानी खानी है, देखो कैसे मम्मी के बाजू में है, मम्मी को छोटा सा कुछ बोन टाइप का देना पड़ रहा है बेचारा। कितना खाते हैं ये लोग, इतना खाने के बाद भी फिर ये लोग कुछ भी उटपटांग सा खा लेते हैं और फिर उल्टी करेंगे, है ना, उल्टी करेंगे ना। अभी अपनी सारी भसड़ वसड़ अपन निपटा के अभी अपन खा रहे हैं। ये हमारे भाई साहब भी हमारे नीचे हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो अभी इस बिरयानी को मैं टेस्ट करूंगा और फिर मेरे को थोड़ा शाम को भी ऑर्डर है तो मैं उसके लिए तैयारी करूंगा, और वो बटर चिकन का ऑर्डर है तो कोशिश करूंगा कि वो भी थोड़ा आप लोगों को दिखा पाऊँ। वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप लोग एंड तक देखते नहीं हो। तो आज मैं बोलता हूँ वीडियो को एंड तक देखना और पहले बिरयानी को टेस्ट करते हैं। तो बिरयानी काफ़ी अच्छी बनी है, जस्ट ओनली द थिंग इज कि थोड़ा सा, मतलब हर बार जैसे बहुत अच्छी बनती है इस बार हल्की सी डाउन है, बट ओवरऑल अगर मैं हर बार इस बिरयानी को, हम लोग, मेरा भाई एक्चुअली बनाया है ये बिरयानी, अगर ओवरऑल इसको हर बार 4.5 देता हूँ, 4.5-5 में से, तो अभी मैं 3.5 दूंगा ऐसे करके दूंगा, बट इट इज़ गुड, बहुत अच्छी बिरयानी बनी है। और ये इसकी आवाज़ की वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या खाना है तुमको, इतना खा लिया है फिर भी चाहिए, अभी मैं अकेला खाऊंगा, ठीक है। तो मैं अपनी बिरयानी स्टर्ड के साथ एंजॉय करता हूँ। वाह कितनी तेज़ हवा चल रही है, क्या पता शायद बारिश होगी, बादल गरज रहे हैं, वो क्या होने वाला है भाई, इतनी गर्मी में ठंडक आ जाए बस, क्या हवा चल रही है। मेरे को बटर चिकन बनाना पड़ेगा उस अंकल के लिए जिनके लिए हमने बिरयानी बनाई थी दोपहर में, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं अच्छे से बनाऊँ ये बटर चिकन, बिकॉज़ क्या है कि अंकल को ना बटर चिकन लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो दैट्स वाई ही ऑर्डर 2 portions। तो इसीलिए मतलब मेरे को मेक श्योर करना है कि अच्छा टेस्ट आए, लास्ट टाइम से बेटर बनाऊँ मैं, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी, उनको पसंद आए तो बढ़िया है, है ना। तो अभी मैं बटर चिकन बनाते हुए आपको दिखाता हूँ, जितना दिखा पाऊँगा, मैं नहीं चाहता वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो और आप लोग को बोर हो जाए, और होपफुली आप लोगों मेरा ये मूछ वाला लुक पसंद आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में बता देना, बट थोड़े टाइम रखने दो यार मेरे को। तो ये अपनी मखनी ग्रेवी का बेस रेडी हो रहा है अभी,
और इसके बाद अभी मखनी ग्रेवी बनाऊंगा, मतलब इसको पीस के ग्रेवी बन जाएगी, फिर इसमें चिकन पका के डाल देंगे, हो गया बटर चिकन। तो अभी मैं इसको पैन में ग्रिल कर रहा हूँ ताकि अच्छे से इसको पक जाए, बाहर का क्रस्ट आ जाए, और फिर उसके बाद मैं इसको डालूँगा अपनी ग्रेवी में। तो मेरा ओवन ख़राब है इसीलिए मेरे को ऐसे करना पड़ रहा है। वो चिकन को पक जाएगा जब कलर आ जाएगा, कलर डालने के बाद उसको मैं अपनी ग्रेवी में डाल दूंगा, और ग्रेवी में डालने के बाद उसको चारकोल से स्मोक करके खल्ला वल्ला हबीबी हो जाएगा, वल्ला हबीबी। सो हमारे बटर चिकन की अभी ये रेडी हो गया है बटर चिकन ऑलमोस्ट, अभी वो कोयला जल रहा है वहाँ पे, उसको स्मोक देंगे और फिर उसको ढक के पैक करके इसमें दे दूंगा अंकल को। टमाटर काफ़ी लाल थे तो देखो कलर भी एकदम डार्क डार्क आया है। आई एम वेरी हैप्पी विद द कलर, आई एम वेरी हैप्पी विद द टेस्ट। जस्ट हल्का सा और पकेगा ना 5-10 मिनट तो इट विल बी परफेक्टली फाइन। हल्का सा वो टमाटो का टेस्ट आ रहा है, जो रॉ टमाटो टाइप का, तो उसको जाने देते हैं और फिर पैक करके बाय बाय। यार हमारी स्ट्रीट लाइट तो डिस्को लाइट बन गई है, एकदम जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, क्या प्रॉब्लम हो गई है पता नहीं। सो माई बटर चिकन इज़ रेडी एंड दिस इज़ हियर। होपफुली वो अंकल को पसंद आएगा। और मैं वीडियो का एंड एक्चुअल में रोड में करने वाला था बट इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज हमारी डिस्को लाइट चल रही है अभी रोड में, मैं आप लोग अपनी शक्ल नहीं दिखा पाता प्रॉपरली, दैट इज़ वाई आई एम डूइंग द एंड ऑफ द वीडियो हियर। होपफुली आज का जो संडे था वो आप लोग के लिए भी फंडे हुआ होगा ये वीडियो को देख के, बिकॉज ट्रस्ट मी समटाइम्स यू नीड दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज एज अ शेफ, यू नीड टू हैव सम मूवमेंट, अदरवाइज जब जॉब मिलेगी मेरे को और मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाऊँगा तो मेरे को बहुत दिक्कत आएगी। तो मैं छोटे छोटे ऑर्डर लेते रहता हूँ और लोगों को खाना खिला के उन लोगों को खुश करता हूँ। अगर आप लोगों को खुशी हुई है वीडियो देख के तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो को दबा के शेयर कर देना। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, वियर मास्क, आई विल सी यू सून, थैंक यू सो मच।